Alright, what up everybody, welcome to our new video. तो आज का जो वीडियो होने वाला है ये होने वाला है हाउ टू ओवरकम आफ्टर ब्रेकअप. ब्रेकअप के बाद में बाहर कैसे आए, अपने इमोशंस को पीछे कैसे छोड़े और अपने वर्क की तरफ में फोकस कैसे करें. ठीक है, तो पहले चीज तो ब्रेकअप के बारे में हम ये जान लेते हैं कि ब्रेकअप क्या है. ब्रेकअप मतलब हर चीज में एक ब्रेकअप होता है, ये बात याद रखना. ऐसा जरूरी नहीं कि किसी लड़की के साथ में अगर से आप रिलेशन में हो या किसी के साथ में रिलेशन में हो तो ब्रेकअप होता है, तो उसी को ब्रेकअप बोलते हैं. बहुत सारे रिश्ते तो टूट जाते हैं जिसे हम ब्रेकअप बोलते हैं. ऐसे बहुत सारे रिश्ते होते हैं जो वक्त के साथ में बनते हैं और वक्त के साथ में ही टूट जाते हैं. तो इस बात को जो है याद रखना कि ब्रेकअप क्या है, जो ऐसे रिश्ते जो वक्त के साथ में बनते हैं और वक्त के साथ में टूट जाते हैं, जो हमारे साथ में रहते हैं, जो हमारे साथ में बचते नहीं है, वैसे रिश्ते उसको कहते हैं ब्रेकअप. ठीक है, और उसके बाद में जो हमारे यहाँ मेन पॉइंट है कि ब्रेकअप से बाहर कैसे निकला जाए. इस जो ये जो वेव चल रही है जिसके अंदर में क्या हुआ पता है क्या, हमने एक टाइम इन्वेस्ट कर दिया. ठीक है, अगर से हमारा रिलेशन 6 मंथ का है, 1 ईयर का है, 2 ईयर का है, 4 ईयर का, 10 ईयर का, हमने क्या कर दिया उसमें हमारा टाइम इन्वेस्ट कर दिया है. ठीक है, हमने जब टाइम इन्वेस्ट किया तो हमने मेन चीज़ क्या किया पता है, हमने मेन चीज़ ये कि अपने फीलिंग्स जो है वो शेयर करें और सामने वाले की फीलिंग्स सुनिए. ठीक है, तो ये एक मेमोरेबल चीज़ बन गई. जो मेमोरीज आपने उसके साथ में बिताई ये आपके माइंड में जो ब्रेन में जो फिट हो चुकी है, जिसको आप भुला नहीं पाते. ठीक है, वक्त के साथ में क्या होता है वो बातें याद आने लगती है. ये एक मेमोरेबल चीज़ थी जो मेरे साथ में हो गई, हम यहाँ गए थे, वहाँ गए थे, ये किए थे, वो किए थे, ये सब चीज़ें याद आने लगती है. ठीक है, होता देखो होता दोनों तरफ में भी है, आपको भी याद आती है, उस तरफ में भी याद आती है, आगे वाले पर्सन को, आगे वाली पार्टी को भी ये सब चीज़ों की याद आती है. लेकिन आगे वाला पर्सन क्या करता है, अगर से लड़की है तो लड़कियों का एक बात ध्यान में रखना, अगर से उसको 15 दिन 20 दिन भी लगते हैं, ये फिजियोलॉजी कहती है कि अगर से उसे 15 दिन 20 दिन 1 महीना भी लगता है और एक बार अगर से वो मूव ऑन कर दे तो वो मुड़ के दोबारा वापस नहीं देखती. ठीक है, ये बात जो है फिजियोलॉजी कहती है. उसके बाद में लड़कों का ऐसा है कि वो भूलते नहीं है, बहुत लंबे समय तक एक ही चीज़ को पकड़ के रखते हैं. ठीक है, तो मैं ये नहीं बोलूँगा, देखो मेन थिंग क्या है, आप लोग थंबनेल और जो टाइटल जो देख कर रहे कैप्शन, आप ये देख कर रहे ओवरकम कैसे करें. मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेमोरीज को भुला दो या फिर उसको सोचना बंद कर दो. मैं लोगों की तरह आपको एक ऐसा सजेशन बिल्कुल नहीं देने वाला. मैं आपको आज एक ऐसा सजेशन दूंगा जिसको लेकर आपकी लाइफ जो है वो आगे की तरफ में बढ़ेंगी, ना कि पीछे की तरफ, और ना ही जगह पर रुकेंगी, आगे की तरफ बढ़ेंगी. तो पता है क्या करना है आपको, आपको सिर्फ ये करना है कि उन मेमोरीज को आपको अपना हथियार बनाना है, आपको अपना वेपन बनाना है. आपको उन मेमोरीज से क्या करना है, आपको उन मेमोरीज के साथ में खेलना है. खेलने का मतलब क्या है, उन मेमोरीज का यूज़ करना है आपको आगे की तरफ बढ़ने के लिए. कि उस पर्सन ने आपको क्यों छोड़ा था, किस लिए वजह से छोड़ा था, किस लिए छोड़ा था, किसके लिए छोड़ा था, या फिर कोई फैमिली प्रॉब्लम वगैरह जिसकी वजह से, या फिर शायद से आपके पास में पैसा ना हो, या फिर ऐसी कोई भी चीज़, या उसको इंटरेस्ट ना हो. इंटरेस्ट नहीं होता तो आपसे रिलेशन में आती नहीं. ड्यूड ये बात सीधी आप समझ लो, सीधी साफ समझ लो. और उसको इंटरेस्ट नहीं होता तो रिलेशन में आती नहीं. ठीक है, लेकिन उसको इंटरेस्ट था वो रिलेशन में. मेन थिंग तो यही मैं बोलूँगा कि उस चीज़ को आपको वेपन बनाना है, और वेपन को जो है आपको सिर्फ देखना नहीं है और उसको वेपन को उठा के रखना नहीं है, आपको वेपन का यूज़ करना है. यू वॉन्ट टू नो हाउ टू यूज़ योर वेपन. ओके, आपको पता होना चाहिए कि आपको आपका वेपन कैसे इस्तेमाल करना है, वो मेमोरीज का वेपन. उसको इस्तेमाल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई जिम करता है, कोई फुटबॉल करता है, कोई क्रिकेट करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई स्टडीज करता है. तो ये चीज़ असली वेपन है. जब भी उसकी याद आ रही है तो तुमको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, इफ़ यू हैव ए इंटरेस्ट इन योर बिजनेस, जिम, फुटबॉल कोर्ट एंड एनीथिंग एल्स, इफ़ यू हैव ए पर्पसली इंटरेस्ट इन दैट थिंग, इन अ पर्टिकुलर थिंग, यू कैन डू इट विद दैट वेपन, विद दैट मेमोरीज वेपन. उस मेमोरीज के वेपन के साथ में आप वो कर सकते हो जो दुनिया नहीं कर सकती. उन मेमोरीज को पकड़ो अपने साथ में, और जब भी उसकी याद है, जब भी उस मेमोरीज की याद है, जब भी उस पर्सन की याद है आपको, तो अपने मेमोरीज का इस्तेमाल करो, अपने वेपन का इस्तेमाल करो, उस चीज़ पर ध्यान दो और वो वजह सोचो कि उसने क्यों छोड़ा था, और उस चीज़ पर ध्यान दो. मेमोरीज में खो मत जाओ एकदम, उसको वेपन बनाओ. खोने जब हम मेमोरीज में खो जाते ना, मेमोरीज में खोना मतलब क्या बताएगा, जैसे हम सोचते हैं कि यार छोड़ के चले गई, कितने अच्छे पल बिताते थे, ये चीज़ सोचना हो गई, लेकिन करना अलग है. डूड करना अलग, अगर से आप करते हो, आप सोचते हो कि इस वेपन को मैं यूज़ करता हूँ, तो आप कर सकते हो सब कुछ लाइफ में जो आपको अचीव करना है. और अगर से मूव ऑन करना है, तो अगर से कोई न्यू पर्सन के साथ में रिलेशन में आना है, तो भी आ सकते हो. कुछ वक्त दो खुद को, कुछ वक्त दो अपने काम को. खुद को जब वक्त दोगे ना, 10 लोगों के साथ में रहो, खुद को वक्त दो. जब खुद को वक्त दे दोगे तो वक्त देने के बाद में आपको खुद ये एहसास हो जाएगा कि आपको आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, और आपको कोई ऐसा पर्सन ज़रूर मिल जाएगा. देखो ऊपर वाला जो है
गॉड वो आपसे कोई एक पर्सन छीनता है ना, उससे अच्छा पर्सन आपको देता है। और बहुत सारे शेर और शायरी मैंने सुनी है, उसके अंदर बोलते हैं कि मुझे तो यार वही चाहिए थी, वही चाहिए था। तो मेरे भाई आपको नहीं पता ना कि ऊपर वाला आपके बारे में कितना अच्छा सोचता है, कितना ज़्यादा आपको देना चाहता है। आप आपकी सोच जो है वो एक नाले की तरह मत रखो, आपकी सोच नदी की तरह रखो कि आपको ऊपर वाला कितना देना चाहता है, उस हिसाब से बिलीव करो। यू इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ, इफ़ यू बिलीव इन योर गॉड, यू कैन अचीव एवरी थिंग। अगर से खुद में बिलीव नहीं करते हो और अगर से गॉड में बिलीव, गॉड का छोड़ दो, लेकिन खुद में बिलीव होना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉड का छोड़ दो इसलिए बोला क्योंकि सबका अलग अलग सोच होती है। कोई साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं, कोई अलग ही मानता है, कोई बोलता है कि मैं नहीं मानता ऊपर वाली दुनिया बनाया, नहीं बनाया होगा आपको लगता है तो नहीं बनाया होगा, मैं बोल रहा हूँ। लेकिन खुद पर तो भरोसा रखो कि खुद कर सकते हो करके, ठीक है, खुद को टाइम दो, खुद पर भरोसा रखो और उन मेमोरीज का वेपन बनाओ। अगर से ये चीज़ करते हो आप, तो आप लाइफ में जो है सक्सेसफुल हो जाओगे, वो भी बहुत जल्द। तो आज की बात में सिर्फ इतनी करने वाला था और मैंने कर दी इतनी बात कि हाउ टू ओवरकम आफ्टर ब्रेकअप। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुशामदीद का मीनिंग बताना भूल गया था वैसे मैं। खुशामदीद का मतलब होता है वेलकम, ये एक उर्दू शब्द है जिसका मीनिंग होता है खुशामदीद का वेलकम। और खुदा हाफिज़ का मतलब होता है कि अल्लाह आपकी, आप अल्लाह की अमान में रहें, मतलब अल्लाह विल फॉरगिव यू, आपको सिक्योर रखे अल्लाह, तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अल्लाह नहीं होता है, गॉड होता है, अल्लाह गॉड होता है, गॉड गॉड विल सिक्योर यू, इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है। तो खुदा हाफिज़ इसलिए मतलब खुदा का मतलब अल्लाह ही होता है, इस वजह से मेरे मुँह से बार बार अल्लाह निकल रहा, ठीक है। तो इस चीज़ का मीनिंग जो है वही मैंने बता दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुक्रान, अलविदा, मा सलाम, टेक केयर माई लवली फ्रेंड्स।